हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रेहान। मैं हूँ फैजान। तो आज हम रिएक्ट करने वाले चुपके चुपके एपिसोड नंबर 11 के पार्ट 2 पर। तो स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। हाय 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 हाय, इतनी कोई शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी तेरी मिंटू आपा के चेहरे पर, और तू मुंह उठा के यहाँ चला आया। हाँ, वहां बैठकर सुनता तो सही। 12:30 बजे इंटरव्यू है तेरे भाई का। भाड़ में गया तेरा इंटरव्यू। कितना सेल्फिश है भाई तू। भाई की नौकरी की फिक्र नहीं है और बहन की चलाकियों की पड़ी हुई तुझे। कल से आपा खामोश है और ये खामोशी मुझे किसी आने वाले तूफान की अलामत लग रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। 5 लाख हकबर, और वो भी मीनू का। हाँ हाँ, मीनू का। अनजान लोग हैं चची, हम नहीं सोचेंगे अपनी बच्ची का तो कौन सोचेगा है। तो वो नहीं सोचेंगे कि टके का जेज नहीं हमें दे रहे तो 5 लाख ही हक मेहर मांग रहे। बेबी, रिश्ता भी तो उन्होंने मांगा है ना मिनते करके। भाई, हक मेहर का डाल रही है इनके दिमाग में। अरे बेबे, मैं तो कह रही हूँ हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बात सुनो, हाथों से लगाई हुई गंडे कभी कभी ना दांतों से खोलनी पड़ती हैं। एक तो आप और अम्मा सर से उतारना चाहती हैं अपनी औलादों को, अम्मा से भी बात करो तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती हैं। खैर, वक्तों तो बचपन से ही बेवकूफ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बेबे। अब तो ये आ जाएगी इसकी बात में। लेकिन बेबे, घर के मर्दों को मत बताइएगा प्लीज, उनको रिश्तों की नजाकतों के बारे में क्या पता। मिशी, ये क्या है? वो टूट गया था ना, तो मैंने सही करवा दिया। सिर्फ चश्मा ही नहीं टूटा था मेरा। अब दिल जोड़ने वाली तो दस्तयाब नहीं है, वरना वही ले आता मैं। मीनू बता रही थी कि काफी गहरा किस्म का सदमा पहुंचा है तुम्हें। इंटरव्यू इतना बुरा हुआ था, सारा का सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया था। अच्छा, इसका मतलब खुद से तो एहसास नहीं हुआ आपको। मीनू के कहने से पहले ही मैं बहुत टेंस था यार। तुम कहो तो मैं बात करूं फाजी से। किस बारे में? यही कि तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। छोड़े, बाकी लोग तो खुश है ना, तो मेरे ना खुश होने से क्या फर्क पड़ता है। मिशी का नेचर इसमें काफी अच्छा बताया, एक सीधी सादी लड़की का। पता नहीं क्या बातें कर रही है। सरकार आफ्टर यू। अम्मा भी टेंशन में, वही क्या गुल खिला के आएगी है। गुल? कौन सा नया गुल खिला के आ रही हो आज? आपस की बात है दोनों मियां बीवी की। वाह मेरे मौला वाह, इन 5 सालों में इनके बीच भी कोई आपस की बात हुई? आपा, मैं मिट रहा हूँ, रंदे के आया कर। और रंदे के आया कर? आप बेबे के घर क्या करने गई थी? ढोलक का पूछने गई थी। 4 दिन मैंने कहा है कोई तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना घर में। हादी, लेट्स मूव। अच्छा, शादी के कार्ड रिश्तेदारों को देते आना। खैर से जाना। सुन यार, बात जरूर कर लेना। हाँ, अब पता चलेगा इनको इनसे लगता है। चले। क्या बात की है चची? वो गुलाबा क्या करने के लिए आई थी आज? वैसे शादी की तैयारियों का पूछने आई थी। कोई और बात तो नहीं की? कोई भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ बेटा, कोई और बात नहीं की उसने। तारिक रोड छोड़ देना, मीनू ने कुछ जूतियां लेनी है। वो एसी तेज कर दें। हानिया, तुम क्यों टेंस हो रही हो? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, आपा का भी मूड काफी सेट हो गया है। हाँ, और देखो ना, 4 दिन बाद है हमारा निकाह, तुम बस उस पर फोकस करो। शाम में बात करते हैं। हाँ, टेक केयर। इंटरव्यू लगता फिर फेल हो गया इसका। कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? 3rd क्लास सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे थे वो, मना कराया हूं मैं। तुझे क्या हुआ? बस यार, पैसे टेंशन लगी हुई है। तू मान या ना मान, तेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ यार, तू ऐसी टेंशन ले रहा है, रिलैक्स कर। बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया।
यार वाले गाने गाओ ना। अरे सारे गाने गा लेंगे, पहले कुछ पिलाओ ना। टैंक टैंक रमजान में टैंक का ऐड। टैंक तो लगता है ना रमजान में। अरे वाह टैंक, आपने तो हम सबका दिल खुश कर दिया। कमाल यार, अभी कुछ नहीं ढोला इसने। दो तीन दिन से कुछ गिरा नहीं रही है पिछले दो तीन एपिसोड से। अभी थोड़ी देर पहले चाय का कप रखा था बहुत जोर से। अब शादी होने वाली है ना उसकी, तो थोड़ा मैच्योर हो रही है। टैंक बहुत आला। अरे कोई शर्मा हया है तुम्हें? दुल्हन होकर ढोलक बजा रही हो, गाने गाती जा रही हो। जाओ पीछे जाके बैठो और सर पे घूंघट लो अपने। क्या है ताइमी, बंदा अपनी शादी पे भी एंजॉय ना करे। बेटा ये तुम्हारे ही एंजॉयमेंट के दिन है, थोड़ी देर के लिए बात मान लो। ये क्या करना है यार? कुछ तो गड़बड़ है दया। पैसे चुराने आया लगता है भाई। ये भी किसी लड़की के चक्कर में है ना। इसके पापा के गुल्लक में से पैसे चुराने हैं इसको। भाई शादी के चक्कर में पैसे गिन के रखे उन्होंने। भाई ये तो पूरा का पूरा गुल्लक ही चटका रहा है। अभी तक 100-150 रुपए निकालते थे उसमें से। आपा गुलाबा तू आ गई। कैसी हो छोटी? मर गई छोटी, बात मत करें आप उससे। कौन सी बात ना करूं? नहीं आया, अकेली आई हो क्या? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, आपके निकाह पे भी कोई नहीं आ रहा, सबने बॉयकॉट कर लिया है भाई। चाहे पूरी दुनिया कर दे बॉयकॉट, बेटा ने कहा तो परसों ही होगा। हाँ ये क्या बोल के चले गए? सही है, वो समझ गया इनकी चालाकी है। आ गई छोटी, अकेली आई है, तेरी अटैचमेंट कहाँ है? अरमान नहीं आया? नहीं आ रहे, वो अम्मा नाराज है, कह रहे उनकी बड़ी बहन की जेठानी को निकाह पे नहीं बुलाया तो वो भी नहीं आएंगे। चलो शुक्र है जान छूटी, तुम रूठे हम छूटे। फंक्शन पे दो लोगों की प्लेट कम कर देना, कुछ बचत तो हो। ठीक है बहुत बढ़िया। मैं भी जाके जरा खीरा गाजर हल्ली मुंह पर लगाऊं, मेरे पोते का निकाह है, दुल्हन के बाद सब मुझे को तो देखेंगे। खीरा गाजर तो सुना था भाई, हल्ली। अम्मा देख रही हो क्या हो रहा है? हाँ हाँ सब देख रही हूँ। अम्मा और फाजी ने आंखें माथे पर रखी हैं। बहुत भूख लगी है मिस्कीन भाई, क्या पकाया है? आलू गोशत। आलू निकाल के बोटियां ले आइए। बोटियां तो खत्म हो गई, आलू पे नमक डाल के ले आऊं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सबका दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन खीरा खा ले। खीरा खा ले। बेटा देखो, तुम भी देखो, अच्छी तरह 20,000 ही है, देखो देखो। चाचा गिन गिन के अब तो इनकी स्याही भी उतरना शुरू हो गई है। अरे 500,000 एक्स्ट्रा ना चले जाए ना, इसलिए। मौलवी से बात हुई है आपकी? अब पड़ोस वाला मौलवी तो बहुत पैसे मांग रहा है। मैंने दूसरे से बात कर ली है, वो उससे 500 रुपए कम में कर लेगा। अब जल्दी से 50,000 रुपए निकालें। अरे 50,000, हार्ट अटैक हो जाएगा। इकट्ठे 50,000 क्या करने हैं तुमने? परसों निकाह है मेरा, अब सर्विसेज के लिए पार्लर जाऊंगी। 50,000 की सर्विसेज? हाँ पूरा पैकेज है पार्लर का, जैसे पेडिक्योर है, फेस ब्लीचिंग है, थ्रेडिंग है, और वो स्किन पॉलिश भी है, और पता है मेकअप भी इसी में ही है, और ये सारा कुछ जो है सिर्फ 50,000 रुपए में डिस्काउंट के बाद। सिर्फ पे हराम से कर लो, मेरे पास इतने हराम के पैसे नहीं है। चचा 80 बार गिरने के बाद भी ये 20,000 ही है। देखिए अब्बा मैं अभी बता रही हूँ, मेरे निकाह में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। तुम समझाओ ना इसे, समझाओ। ये क्या समझाएंगे मुझे, सारी दुनिया की लड़कियां जाती हैं पार्लर, ये तो जैसे जानते नहीं है ये बात। ठीक ही तो कह रही है चचा, 20,000 से दे दो, मैं तुम्हें और देता हूँ, दे दो सही। 20,000 में क्या होगा बेटा, जो हो सकेगा कर लेना, बाकी घर पे कर लेना ना। पक्का 20,000 रुपए ना? मेरी माँ पक्की 20,000 है। अब तो ये नोट भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हम 20,000 हैं, 20,000। 50,000 रुपए तो कुछ ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान के 50 है ना, वो इंडिया के तो 25 ही होते हैं।
ये भी है। कद्दू यार बात सुन। क्या तकलीफ है यार? वो अब्बा ना पार्लर के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूँ? हजरत उनके बैंक में डाका डालते हैं ना। हजरत? हाँ ना, परसों निकाह है मेरा। अच्छा ये अच्छा सोचता हूँ। सोचता नहीं हूँ। इसने डाल दिया है मेरे इल्जाम इस पे लगने वाला। मीनू चोरी गुनाह है। चोरी कौन सा गुनाह है? और बाप की चोरी ना कोई चोरी नहीं होती है। मैं एक एक पैसा अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, सब वापस करूंगा चाचा को कमा कर। तो ठीक है, मेरे 30,000 भी लिख लो। भाई ये बैग बांध के कहाँ जाने की तैयारी में है? भाई लगता है भागने की तैयारी में। हाँ यार इसको जाना है ना हैदराबाद। कहाँ जाना है? पैसे तो अच्छे खासे निकाल लिए होंगे इसने। 5,000 के नोट है ना, अपने यहाँ पर सिर्फ 2,000 का नोट होता है, पाकिस्तान में सीधे 5,000। अरे उसके लिए पैसे निकाल रहा है लगता है इसमें से। 5,000 का नोट ब्लैक मनी छुपाने वालों को तो काफी इजी रहता होगा। उसके लिए इसने निकाल दिए हैं, लगता है इल्जाम इसी पे आ जाएगा। हाँ चला गया है। और ढूंढ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैंने अपने फोन कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा। क्या पूरे 8,000 का दिलाया था 3 साल पहले, खुदा ना खास्ता गुम तो नहीं कर दिया? ना नहीं घूमेगा। गुल्लक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मिल जाएगा, इधर ही पड़ा होगा, या ऊपर या नीचे। कितनी चीजें यहाँ घूम गई हैं, कुछ पता नहीं है, संभाल के रखे इंसान पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मिल जाएगा। तेरी तो रखा था मैंने। यार अल्लाह मेरा गुल्लक मिल जाए, गरीब बच्चे को खाना खिलाऊंगा। ये तो तैयारी में है भागने की। बहन का निकाह छोड़ के भाग रहा है यार, ये कैसा है? अब वो किस लिए जा रहा है? क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, वो पता चलना है। तुम्हें वली थी किसी दोस्त का नंबर पता है? दूसरा लड़की का रीजन क्या हुआ? फोन नंबर बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। देखो ना 10 बजने वाले। अच्छा हाँ, उसका एक दोस्त है फाद, उसका नंबर है मेरे पास। टाइम में जल्दी आ जाए, हादी भैया बुला रहे। कुछ लिख कर भी गया है क्या, लेटर वगैरह कि नहीं? क्या लिखा है भाई इस पे? भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। भाई निकाल के इसको तो दे गया है वो, पर वो कहाँ गया है ये पता करना पड़ेगा। मतलब सोचो गुल्लक में कितने सारे पैसे होंगे, ये पता करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड भी देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्दी देखेंगे और आप लोगों के लिए उसका रिएक्शन भी लेकर आएंगे। और जब ये सच्चाई सामने आएगी कि यार वो भाग गया है पैसे ले करके, उसके पापा को अटैक ना आ जाए, उसके चाचा का देखना पड़ेगा क्या हाल होता है। बाकी ये तो गलत ही है यार, मतलब बहन की शादी है अभी थोड़े दिन पहले, 4 दिन पहले ही, और वो भाई साहब भागने की तैयारी में पैसे। पर वो गया कहाँ है वो समझ नहीं आ रहा, या तो वो क्रिकेट खेलने के लिए ही गया है या वो कुछ और काम से, वो जन्नत से किसी से बात करता था उससे मिलने गया, पता नहीं क्या सीन है। तो देखेंगे आगे वाले एपिसोड में क्या होगा। फिलहाल ये कैसा लगा? अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।